अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मसूर की दाल गोश बनाना बताते हैं, जिसके लिए हमने हाफ के जी मटन लिया है और उसको हमने धो के कुकर में डाल लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसमें हम डालेंगे, ये देखें, इस तरह से आप इसको, अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें लहसुन का पेस्ट, ये देखें, और इसमें डालेंगे अब हम नमक हसबे ज़रूरत, यानी के अपने जायके के मुताबिक। अब इसमें डालेंगे हम कुछ हरी मिर्चें, ये देखें, इनको बाद में भी डाल सकते हैं आप। हम इसमें अदरक लंबी नहीं काट के डालेंगे क्योंकि बच्चों के लिए अदरक खाने में अच्छी नहीं रहती, ये देखें। और इसमें 1 स्पून डाल रहे हैं हम ऑयल। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, चलाते हुए इन सब चीज़ों को बढ़िया करके मिक्स कर लीजिए। इस तरह से बनाने में दाल गोश्त बहुत मज़े का, बहुत लजीज बनता है। आप मसाला भून के भी बना सकते हैं, ये देखें, इस तरह से इसको हमने सबको मिक्स कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे अपना थोड़ा सा पानी, इस तरह से पानी डालने के बाद इसको हम हल्के से हिलाएंगे और करीब करीब इसमें 3 सीटी आने देंगे, क्योंकि ये मटन है, 3 सीटी में ये हो जाएगा। जब दाल में सीटी लगाएंगे तब उसमें भी कसर जो होगी रह जाएगी। इसमें 2 डाल रहे हैं हम दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पत्ते डाले हैं हमने इसमें, ये देखिए। अब हमने इसको कवर कर दिया है, अब इसमें हमारी सीटी आ चुकी है। अब हम इसको खोल के देखते हैं, ये देखें, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट उतरा है, गोश्त हमारा गल चुका है, ये देखें। अब इसको हम भून लेते हैं और इसमें हम अपनी दाल डाल देते हैं, जो करीब हमने 1 बाउल करीब दाल ली है, ये देखें। दाल को हमने धो के भिगा दिया था ताकि हल्के से ही उसमें गल जाए। इसको एक हम दाल को इसमें डालने के बाद मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे, 1 बाउल दाल है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे, जितना गाढ़ा या पतला हमको इसको रखना है। इस तरह से आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें मेहनत भी कुछ नहीं लगती, बहुत इजीली तैयार हो जाती है। सादा राइस के साथ या रोटियों के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखें, हमारी दाल भी इसमें गल चुकी है, तैयार हो चुकी है, ये देखें। हमें ऐसी ही चाहिए ये। आप चाहें तो इसका रोगन हटा सकते हैं, लेकिन हम नहीं हटा रहे हैं। अब इसमें डालते हैं हम अपना हरा धनिया, जो 1/2 बाउल है हमने काट के रखा हुआ था। धनिया इसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे हम अपना 1/2 टीस्पून गरम मसाला। जब हम मसाला भूनते हैं तो भूनते में डाल देते हैं, और सोन के चढ़ाया है तो इसलिए हमने गरम मसाला इसमें बाद में ही डाला है, ये देखें। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किचन विद रेहाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।